बात बताओ, वो तुम भी बताओ, वो लोग कहाँ रहते हैं जो कहीं के नहीं रहते? क्योंकि तुमने ना मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, कहीं का नहीं छोड़ा है तुमने मुझे। पर अगर 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 पापा ने मुझे देख लिया ना, वो तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। ब्रिलियंट। अब मिलेगा सोशल मीडिया को उसका नया वायरल वीडियो फीचरिंग सुहानी शर्मा। अरे हटो, मैं कुछ बोल रही थी। क्या बोल रही थी मैं? वो पापा छोड़ देंगे ऐसा कुछ। पापा, मेरे पापा। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा तो तुम्हें अभी भी नर्सरी के बच्चे की तरह कॉलेज से पिक एंड ड्रॉप करते हैं ना? तुम्हारे स्ट्रिक्ट पापा सेहत के लिए हानिकारक है ना? ए! मेरे पापा के लिए तुम कुछ नहीं बोलोगे। मेरे पापा ना वर्ल्ड के बेस्ट पापा है, बेस्ट। पापा तो सभी के बेस्ट होते हैं ना, पर मेरे वाले ना थोड़ा ज्यादा बेस्ट है। तो पापा लोगों को भगवान जी ने कैसा सीरियस कैरेक्टर बना के भेजा है ना, कभी भी खुल के हग नहीं करते, कभी आई लव यू नहीं बोलते माँ की तरह अपना सारा प्यार यहां दिल में रखते हैं, वो भी इतना सारा। मैं एक बात बोलूं, ये कॉमिक्स, ये मूवीज सब झूठ है, क्योंकि असली सुपर हीरो ना पापा होते हैं और मेरे वाले बेस्ट है, बेस्ट सुपर हीरो है। मैं जब छोटी थी ना, मुझे एक बार 104 डिग्री फीवर आया। जानते भी हो तुम लोग 104 कितना होता है? 104 इतना फीवर आया। मुझे माँ ने पट्टियां की, दवाई दी, कुछ नहीं हुआ। उस दिन शहर में कर्फ्यू भी था, मेरा बुखार ही नहीं उतर रहा था और पापा के पास बाइक भी नहीं थी। पता है क्या किया मेरे सुपर हीरो पापा ने, मिस्टर राकेश शर्मा ने क्या किया पता है? मुझे गोदी में उठाया, मुझे गोदी में उठा के 5 किलोमीटर, जानते भी हो 5 कितना होता है, देखा है जिंदगी में? 5 किलोमीटर तक लेकर भागे गोदी में। इतना प्यार करते हैं मेरे पापा मुझसे, थोड़े प्रोटेक्टिव है, डरते हैं मुझे लेकर, इसलिए मुझे बहुत रूल्स और रेगुलेशंस में रखा है। इस दुनिया के लिए प्रिपेयर किया है मुझे उन्होंने, बस इसलिए ना मैं पापा को बहुत प्राउड फील कराना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बनूं और पूरी दुनिया उन्हें डॉक्टर सुहानी शर्मा के सुपर हीरो पापा कह के बुलाए। सुहानी शर्मा के पापा क्या है भैया? सुपर हीरो है मेरे पापा, मेरे पापा बेस्ट है, बेस्ट। सुहानी, इनफ, बाकी स्टोरी बाद में सुनाना, चलो नीचे आओ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है।
उससे बोलो मेरे पास ना है। सोहानी आई ओके? भाई नूर बनी पल्स नॉर्मल है, कोई नशे वाली चीज खा ली है, उसी का आफ्टर इफेक्ट है। भाई एक सेकंड, ये दवा दे दे। सोहानी उठो। हाँ क्या है? ये लो दवाई खा लो। नहीं मुझे दवाई नहीं खानी है, तुम्हें शौक है ना तो तुम खा लो। ओके दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या किया ये? चिल्ला क्यों रहे हो? मेरे को नहीं खानी है दवाई, मैंने बोला तो। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? तो नहीं खाऊंगी मैं दवाई। दवाई खा लो। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। भाई पंडा
रिया, ये तेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, संभाल इसे। आराम से। दवाई का असर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। असर तो तुम्हारा खत्म नहीं हो रहा है मेरी लाइफ से। इसने मेरे हर जगह कॉलेज में पोस्टर ही पोस्टर लगवा दिए। जा जा वहाँ पोस्टर 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 रिया। शरफ सुहानी क्या कह रही हो? नशे में कुछ भी कहती जा रही हो। चलो आराम करो। तुमने मुझसे कहा था ना कि मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे रेड मार्क कर दूं। तो मैंने कर दिया क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो। छोड़ दो ना उसे अकेला। क्यों पीछे पड़े हो उसके? कल के इंसिडेंट के बाद वैसे भी वो तुमसे बात नहीं करने वाली। रिया कल क्या हुआ था? रणवीर फ्रेशर्स हो जाने दो। आई विल कम बैक एंड एक्सप्लेन टू यू। हां किसी ने कुछ कहा तुमसे? किसी ने तुम्हें प्रेशराइज करा? वो सब मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मेरी गलती क्या है? किसी की कोई गलती नहीं है। बस मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरी जिम्मेदारी उठाओ, इसलिए प्लीज दूर रहो मुझसे। पोस्टर वाला क्या मैटर है? इमेज जिम्मेदारी बार बार पोस्टर क्यों कह रही है? कुछ नहीं रणवीर, वो नशे में है तो कुछ भी बड़बड़ा रही है। नशे में कोई यूं ही नहीं बड़बड़ाता, कोई तो बात होगी। चल मी जो पूछ रहा हूं वो बता रही है। पोस्टर वाली बात क्या है? राइट नाउ। ओके, पता नहीं किसने कॉलेज में सुहानी और तुम्हारे नाम के पोस्टर्स लगा दिए। इतना कुछ हो गया और मुझे आइडिया तक नहीं, किसी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। तुम दोनों के मुंह पे स्टिचेस लगे थे जो तुमने मुझे नहीं बताया। भाई माय गॉड, इस मैटर के बारे में हमें कुछ नहीं पता। सच में हमें तो खुद खबर तक नहीं लगी कि ये सब कब हुआ। लेकिन मुझे पता होना चाहिए, जिम्मेदारी है वो मेरी। उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई स्वेयर मिस जिम्मेदारी, जिस पोस्टर बॉय ने ये हरकत की है अब उसकी पूरी बॉडी प्लास्टर से बंधी हुई मिलेगी। उसका जवाब उसको उसी की भाषा में देंगे, लेकिन बस अभी के लिए अपना दिमाग ठंडा रख। रिया हट सामने से। तुम सुहानी को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो? जिम्मेदारी है ना वो तुम्हारी, उसे ठीक तो हो जाने दो फिर चले जाना। हाँ भाई, मुझे कभी अपने मन के करने ही नहीं थे।
ये वीडियो मैंने तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया, इस वीडियो को सुहानी के घर तक पहुंचाना। ऋषि सुनना, वो सुहानी की बुआ की लड़की है ना, जिसने उस दिन तुझे टमाटर मारने के बाद अपना नंबर दिया था, उसको बोलना। ओ भाई बड़ी आइटम है वो, जैसे मैंने कहा कि घर में दो लग्जरी कार खड़ी है, दो सेकंड नहीं लगा बंदी ने फ्रेंडशिप करने में। तो फायदा उठा इस फ्रेंडशिप का और डुबो दे सुहानी की नैया। ठीक भेज दिया भाई, अब कॉल लगा। तो आज हम देखेंगे अपने डे केयर रूटीन में कि कैसे अपनी स्किन को फ्लॉलेस और ब्यूटीफुल बनाना है, और उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और मेरी सारी रील्स की तारीफ करना। हेलो ऋषि। निकी कुछ भेजा है तुम्हारे लिए, फोन चेक करो ना। ऑनलाइन शॉपिंग का कैश कार्ड तो नहीं है? या वही ड्रेस जिसकी मैंने तुम्हें लिंक भेजी थी, तुमने खरीद ली? भाई भूखी भिखारा नहीं है बंदी सच्ची। अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो जब हम मिलेंगे तब डेफिनेटली गिफ्ट करूंगा, अभी उससे बड़ा सरप्राइज है। फोन तो चेक करो। ओके। क्या हुआ है? सब मुझे से घूर क्यों रहे हैं? कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है बताना, सब मुझे से देख क्यों रहे हैं? ये पियो, फील फील बेटर। नहीं मुझे नहीं पीना रही। थोड़ा सा कम बन। पता ना रिया मैंने कुछ गड़बड़ किया ना, कुछ हुआ है ना रिया, बोल लो मुझे सच से बता। मैंने कुछ काम डाउन सुहानी, इतना हाइपर हो। कुछ नहीं हुआ है, तुम बस अपने सेंसेस में नहीं थी। ओके बट ये बताओ कि तुमने ऐसा क्या खाया? हम सब ने कैंटीन का खाना खाया, हमें तो कुछ नहीं हुआ। चल दवाई खा। मैं ठीक हूँ। गुस्सा बाद में, पहले दवाई खा। अगर दवाई खाऊंगी तो बात मानोगे? हाँ। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा रणवीर? तुमने मेरी तकलीफों का मजाक बना दिया। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी बनने से मना किया तो तुमने मुझे फीवर की जगह नशे की दवाई खिला दी, मेरा मजाक बना दिया। लगता है तुम्हारा नशा अभी तक उतरा नहीं है। तुम सोच भी कैसे सकती हो मैं इतनी चीप हरकत करूंगा? ये तो क्या कह रही हो सुहानी? तुम्हें पता है रणवीर कितना परेशान था? तुम्हें स्टेज से भी उसी ने उतारा है, और यहाँ भी तुम्हें वही लेकर आया, और जब से हम यहाँ आए ना तुम्हें रणवीर ही संभाल रहा है। रणवीर ने कुछ नहीं किया सुहानी। गाइस गाइस गाइस, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सुहानी का वो अभी स्टेज वाला वीडियो वायरल हो गया। कॉलेज में सबने देख लिया है, और गॉड नोज बाहर किस किस ने देखा होगा। माय नेम इज सुहानी शर्मा, डॉटर ऑफ मिस्टर राकेश शर्मा। पता
शायद ना पापा डरते हैं और शायद पापा को लगता है कि इस दुनिया की नजर ना लग जाए मुझ। पापा ने ना हमेशा अपने मन की करने से रोका है मुझे, लाइफ में हर चीज के लिए मेरे को मना किया है, कभी अपने मन के करने ही नहीं थे। क्या भैया, ऐसे तो आप लोग ऑटो रिक्शा ना रेसिंग कार की तरह दौड़ाते हो और आज ऐसे धीरे चला रहे हो, जल्दी चलो थोड़ा। अरे नहीं नहीं भैया, धीरे ही चलाओ। अरे कमर वमर में ऐसी मोच वोच लगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और तू कौन सा खजाना लग गया तेरे हाथ जो इतनी उतावली हुई पड़ी है, न कायदे से कपड़े पहनने दिया न बाल बनाने दिया, ऐसी झल्ली की तरह मैं आ गई हूँ। क्या सोचेंगे मोहल्ले वाले कम मोबुआ के बारे में, सारा इम्प्रेशन डाउन ही कर देना है तूने मेरा। हाँ इम्प्रेशन तो अब किसी और का डाउन होगा है। ये देखो पापा ने ना हमेशा अपने मन की करने से रोका है मुझे, लाइफ में हर चीज के लिए मेरे को मना किया है, कभी अपने मन के करने ही नहीं थे। ये जल्दी जल्दी भेज मेरे फोन पे, जल्दी भेज। ओहो भैया, पेट्रोल सारा आज ही बचाना है क्या है, जल्दी चलाओ, ऐसे तो हम चार जन्म में नहीं पहुंचेंगे। जल्दी भेज तो मुझे जल्दी। सुहानी के नाम का है ना, खानदान भर में टेप बचता है ना, और मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब देखना उसकी शर्म के मारे नजरें नहीं झुकी ना, तो मेरा नाम भी निकी नहीं। ओ भैया जल्दी चलाओ ना, सही किया तूने। ये क्या कर दिया मैंने। पापा के बारे में इतना सब कुछ बोल दिया, अब ये बात पापा तक पहुंच गई तो मैं कैसे फेस करूंगी उन्हें। काम डाउन सुहानी, सब ठीक हो जाएगा, मैं सुधा को जानती हूँ, वो समझेगी, ट्रस्ट मी। जिसने भी ये किया है वो बंदा मुझे मेरे सामने चाहिए। And I swear, जब वो मेरे सामने आएगा वो उसकी जिंदगी का आखिरी मोमेंट होगा। सुहानी बेटा, तेरी बुआ आई है घर, कह रही कोई स्पेशल वीडियो दिखाना है।